कपड़ों की सिलाई, ब्यूटी पार्लर का काम, लहंगे की शॉप और रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय। तस्वीरों में अलग अलग रोल में नजर आ रही ये महिला सलमा भी है। हाथों में हुनर होने के बावजूद कई साल पहले तक उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन शिवराज सिंह सरकार की आजीविका मिशन ने इनकी जिंदगी ही बदल दी। सागर के परसोरिया में रहने वाली सलमा भी आज सिलाई, ब्यूटी पार्लर, लहंगा चुनरी और कपड़े की दुकान से सालाना लाखों की आमदनी कर रही है। उसका अच्छा पक्का मकान भी है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और उन्होंने एक अच्छी कार भी खरीद ली है। ये सब सलमा की संघर्ष, मेहनत, लगन, जुनून और परिवार के अच्छे लालन पालन की जिद में हुआ है और इस सब में साथ मिला मध्य प्रदेश की आजीविका मिशन योजना का, जिससे सलमा को इतना आत्मनिर्भर बना दिया है कि वो सिलाई और ब्यूटी पार्लर में अब तक 200 से अधिक बच्चियों को और महिलाओं को प्रशिक्षण दे चुकी है। अभी भी उसका काम इतना है कि आधा दर्जन महिलाओं को वो खुद काम देती है। मैं शादी के पहले से सिलाई सीखी थी और यहाँ आके मैंने फिर सिलाई शुरू की। पहले मेरी छोटी मशीन थी, फिर मैं आजीविका मिशन में जुड़ी, फिर उससे जुड़ के मैंने ये साल से बड़ी वाली सिलाई मशीन ली। उसके बाद मैंने जो महिलाएं हमारे यहाँ आती हैं वो कहने लगी हमें सिलाई सीखना है, तो हमने उनको सिखाया, लड़कियों को सिखाया। कम से कम 250 लड़कियों को और महिलाओं को हम सिखा चुके हैं और वो सीख के अपने घर पे भी काम चला रही हैं। अपने कुछ ससुराल जा चुकी हैं तो वहाँ भी अपने काम कर रही हैं, तो वो आज लड़की हमसे बोलती हैं कि भाई आपने सिखाया हमें काम, तो आज हमें वो काम आ रहा है, हम दो पैसा अपने बचाते हैं, घर में अपने घर गृहस्थी चलाते हैं। और इसके बाद हमें सर ने बताया कि आपको दीदी ब्यूटी पार्लर सीखना है क्या, तो हम फिर RCT गए। RCT जाके फिर हमने एक महीने की ट्रेनिंग ली वहाँ पे ट्रेनिंग लेके हमने फिर यानी जो डिप्लोमा मिला सब अच्छे तरीके से सीखा हमने वहाँ पे। फिर घर पे आके हमने अपनी शुरुआत की, शुरुआत करके अच्छे से जो हम पे और अच्छे से बनने लगा, फिर लड़कियाँ ज़्यादा आने लगी हमारे यहाँ पे, तो हमारा काम अच्छा चलने लगा। फिर हमने लहंगा वहंगा लिए, लहंगे नहीं थे हमारे यहाँ, फिर हमने लहंगे लिए तो लड़कियाँ और तैयार होने आने लगी। ऐसे धीरे धीरे हमने अपना काम बढ़ा लिया तो फिर उसके बाद में हमने तीन चार लड़कियाँ लगाईं पार्लर के लिए तैयार करने के लिए, क्योंकि अकेले परेशान होते थे, तो फिर लड़कियाँ लगा के फिर वो भी हमारी हेल्प करने लगी, तो वो भी धीरे धीरे हमारे साथ में काम करने लगी, सीखने लगी, वो सीखती भी हैं और हमारे साथ हेल्प भी करती हैं। हमारे हस्बैंड करते हैं कपड़े का काम, बहुत पहले से करते हैं, पहले छोटी थी अब वो बड़ी हो गई है। इसी काम में अपने थोड़ा सिलाई में बचत की हमने और थोड़ी अपने पार्लर में बचत की, उसमें से हमने थोड़ा थोड़ा बचत करके और क्या नाम से अपना कपड़े का काम बढ़ा लिया। और हमारे हस्बैंड वैसे गांव पे फेरी लगाने जाते हैं और हम घर पे सिलाई करते हैं और कपड़े भी बेचते हैं हम घर पे। लेकिन 12 साल पहले कच्चे मकान में रहने वाली सलमा और उसके पति वकील की माली हालत ठीक नहीं थी। पति जब फेरी लगाकर दिन भर में लौटता था तो दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। बच्चे होने के बाद परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे ही मुश्किल हालातों में सलमा ने भी घर खर्च में साथ देने का बीड़ा अपने कंधों पे उठाने की ठानी। पहले ऐसी स्थिति थी सर कि यानी जितने अपने पैसे आते थे थोड़े थोड़े में अपना काम चलाते थे, लेकिन आज ऐसे है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हमारा जो घर पहले कच्चा था अब पक्का बना लिया है। हाँ सर, बस आमदनी इतनी है कि साल भर में अपना हो जाता है 2-3 लाख रुपए। हाँ, तो आप और सोच रहे हैं कि आगे अपना काम और बढ़ा सके। सलमा के पति शिवराज सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। उनका मानना है कि सरकार की मदद से ही उनके परिवार की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। वो कहते हैं कि सरकार की इस पहल का फायदा उठाकर बाकी लोग भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। हमारा छोटा सा व्यापार था पहले, हम पहले साइकिल से फेरी लगाते थे कपड़े की, धीरे 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 फिर हमने हर गांव में एक ठेला रखा, अपना काम बढ़ाया। काम बढ़ाने के बाद फिर हमने अपना एक दूसरे के सहयोग से फिर हमने अपना व्यवसाय बढ़ाया। छोटा सा अपना बैंक से लोन लेके आदमी का समूह से जुड़ के, तो इससे जुड़ के एक हमने फिर अपना और बड़ा लोन करवाया अपना स्वयं इनके लोन से भी, हमने अपने लोन से मिला जुला के अपना काम बढ़ाया, काम को अंजाम दिया। अब ऊपर वाले की मेहरबानी से और हमारे घर के सबसे सहयोग से हमारा इतना व्यवसाय बढ़ाया। एक हमने अपनी गाड़ी ले ली है जिस गाड़ी से हम अपना काम रोजगार पूरे इलाके में कर रहे हैं, और इनका ब्यूटी पार्लर का काम है, हमारा कपड़े का काम है, जिसके हर तरीके के कपड़े हमारे यहाँ मिलते हैं।
वो घर घर जाके हमारा काम कपड़े के और भेजाते हैं। सलमा अब अपने दम पर सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई करती है। इस बचत से एक तरफ जहां इन्होंने अपने बच्चों का इंग्लिश मीडियम में दाखिला कराया, तो दूसरी तरफ पक्का मकान भी बनवा लिया है। साथ ही पति को एक कार भी गिफ्ट की है, जिससे अब वह गांव-गांव जाकर कपड़े बेचते हैं।